हेलो दोस्तों, जेआरएस गाइड में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने दो पार्ट देखा बेसिक फिजिक्स का, और आज से हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने सदिश और अदिश राशियों की बात कर ली थी, आज देखते हैं मूल राशि। मूल राशि इसे हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, मूल राशियां क्या होती है? तो ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र, ऐसी राशियां जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करती, एक दूसरे से स्वतंत्र, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल राशियां। और मूल राशियों कुल जो संख्या होती है सात होती है, तो मूल राशियों की कुल संख्या सात होती है। तो शुरू में स्टार्टिंग में सबसे पहले मूल राशियां थी, मूल राशियों में कुल सात राशियां रखी गई, और वो राशियां कुछ इस प्रकार से हैं। मूल राशियां, जो पहली राशि है वो लंबाई, दूसरी जो राशि है वो द्रव्यमान है, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा वैद्युत धारा, और जो छठा राशि है वो है आपका ज्योति तीव्रता, और सातवां पदार्थ की मात्रा। तो कुल कितनी राशियां, सात। मूल राशियां ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, उनका आपस में कोई लेना देना ना हो। तो मूल राशियां कुल सात है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि मूल राशियां तो सात थी, लेकिन आगे चल के जब काम नहीं चल पा रहा था, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एंगल वगैरह, एंगल कोड में दिक्कत होता था, तो दो पूरक राशियां बनाई गई। तो पूरक राशियां, इसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, पूरक राशियां, इनमें दो राशियों को रखा गया, एक समतल को प्लेन एंगल और दूसरा घन कोण, इसे सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल। इन दोनों राशियों को आगे चल के रखा गया, तो समतल कोण और घन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये तो मूल राशियां थी, अब मूल राशियां है तो उनका अपना क्या होगा, मात्रक होगा। तो मूल मात्रक कुल कितने होंगे, तो जितनी मूल राशियां हैं, तो यहां आज देखते हैं मूल राशियों के मात्रक। तो हम यहां कहते हैं मूल राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल मात्रक इसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। तो हम यहां लिखेंगे मूल राशियों के मात्रक को मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक कुल कितने हैं, जितनी मूल राशियां हैं, तो मूल राशियां सात है, तो मूल मात्रक कुल कितने होंगे, सात, कुल सात। आइए जरा देखते हैं सीरियल से सब कैसे होता है।
यहां से देखते हैं, एक तरफ लिखते हैं मूल राशियां, मूल राशियां, और एक तरफ देखते हैं मूल मात्रा, मूल मात्रा। तो पहली जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा द्रव्यमान होता है, इसको मास कहते हैं, और इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं। तीसरा आपका होता है समय, टाइम, इसको सेकंड, इसको एस से। चौथा ताप, ताप कहिए चाहे थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर कहिए, उष्मागतिकी ताप कहिए, दोनों एक ही, कई किताबों में उष्मागतिकी ताप लिखा होता है। तो ताप, और ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है, केल्विन को के से। पांचवा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर स्मॉल एस। छठा होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, सीडी। और सातवां पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की जो मात्रा का मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं मोल। तो ये कुल आपकी मूल राशियां थी और मूल मात्रा। जो दो पूरक राशियां थी, पूरक राशियां, पूरक राशियों में तो पूरक क्या होगा, पूरक राशियों का मात्रक, पूरक मात्रक, तो पहला जो पूरक राशियां थी वो था समतल कोण, समतल कोण, तो इसका मात्रक होता है रेडियन। और दूसरा क्या है, घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन, स्टे। ये टोटल आपका मूल राशि। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। तो व्युत्पन्न राशियां जो होती है वो क्या होती है कि मूल राशियों से प्राप्त राशियों का हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो यहां देखते हैं व्युत्पन्न राशियां, तो इनके बारे में देखते हैं क्या होता है। अगला जो टॉपिक है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, इसे कहते हैं डेराइव्ड, डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। तो हम यहां लिखेंगे कि ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त हो, मूल राशियों से प्राप्त हो, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो मूल राशियों से जितने भी राशियां प्राप्त होती है सबके सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां। सात मूल राशियों, दो पूरक राशियों को छोड़ के बाकी सब फिजिक्स में जितनी भी राशियां आपको मिलेंगी सबके सब आपका क्या है, व्युत्पन्न राशियां। तो यहां से देखते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई एक प्रकार का आपका मूल राशि है, चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि होती है। तो इन दोनों मूल राशियों की सहायता से क्या बना, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशियां। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
तो लंबाई एक प्रकार की लंबाई होती, लंबाई तो एक प्रकार लंबाई है ही है, चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई होती है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। तो ये क्या है, मूल राशियां, और इससे क्या बना, आयतन व्युत्पन्न राशि। चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार की लंबाई तो होती है, तो लंबाई क्या हो गई आपकी मूल राशि। समय क्या होता है, मूल राशि होता है, और इसकी सहायता से क्या बना, चाल क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ऐसे ही आज के लिए इतना ही, थैंक यू।